हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गुलफाम असगर फातमी। आज हम बात करेंगे पैप स्मियर टेस्ट के बारे में। पैप स्मियर टेस्ट क्या होता है? पैप स्मियर टेस्ट एक खास टेस्ट होता है जिसमें महिलाओं के सर्विक्स के किनारे से सेल्स लेकर उन्हें लैबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजी जाती है। पैप स्मियर टेस्ट के लिए सबसे पहले महिला को टेबल पर लेटा करके उसकी पेल्विक एग्जामिनेशन की जाती है। फिर उसमें स्पैचुला की मदद से वजाइना को ब्रॉड किया जाता है। उसके बाद एक स्पैचुला ली जाती है और स्पैचुला से सर्विक्स से सेल्स निकाल करके उसे लैबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज दी जाती है। आमतौर पर इस टेस्ट के दौरान महिलाओं को किसी भी तरह का बहुत ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। अगर किसी महिला को बहुत ज्यादा दर्द होता है तो मे बी कि ये कोई दिक्कत हो सकती है। हाँ, लेकिन स्पैकुलम लगाने की वजह से महिलाओं को थोड़ा बहुत डिसकंफर्ट फील जरूर आएगा। यह टेस्ट सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए कराई जाती है और कैंसर के स्क्रीनिंग के अलावा इस टेस्ट के जरिए हमें क्लाइमेडिया इन्फेक्शन और साथ ही साथ HPV इन्फेक्शन के बारे में भी मालूम हो जाता है। इस टेस्ट के जरिए हमें सर्वाइकल कार्सिनोमा के बारे में मालूम तो हो जाता है, लेकिन इसके कंफर्मेशन के लिए हमें उसे बायोप्सी के लिए भेजना चाहिए। इस टेस्ट को करने से पहले महिलाओं को ये सजेस्ट किया जाता है कि पैप स्मियर टेस्ट करने के पहले एटलीस्ट 48 आवर्स पहले किसी भी तरह का वजाइनल क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स की भी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।